प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और अब हम एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये है, आई हम इसको मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के तब सॉल्व करेंगे, और माइनस बाहर ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा dx। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2x लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 dx। अब ये हमने क्यों किया है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x था यहां पर, x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया है, तो ये फॉर्म बन गए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हमने 1/2b की वैल्यू है, तो 1/2 का स्क्वायर यहां पर किया है प्लस में, और माइनस में भी 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया है, तो ये आ गया माइनस 0 to 2 1 अपॉन, यहां से ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 1/4 आ जाएगा, एंड माइनस 4 dx इज इक्वल टू माइनस 0 to 2 1 अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में 4 LCM है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4 dx। अब हम इस माइनस को फिर से अंदर ले जाते हैं, तो आ जाएगा 0 to 2 1 अपॉन, ये 17/4 पहले आ जाएगा, 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डीएक्स। इस 17/4 को रूट 17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आई विल बी इक्वल टू 0 to 2 1 अपॉन रूट 17/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1/(x-1/2) होल स्क्वायर dx। अब आप देखिए, ये यहां पर बन गया 1/(a²-x²), ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब नीचे हो ऊपर 1 हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a+x/a-x, तो ये हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू यहां पर रूट 17/2 है, log a plus x means root 17/2 plus x minus 1/2 whole upon a minus x मने root 17/2 minus x plus 1/2 और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to 2 2 से यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√17 पहले आप 2 रखेंगे इसमें, तो आ जाएगा log √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस, अब एक्स पर 0 रखेंगे, log
रूट 17 अपॉन 2 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 17 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 देखिए अब इसमें 2 एलसीएम हो जाएगा तो आ जाएगा रूट 17 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 2 नीचे भी 2 एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा रूट 17 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस लॉग यहां पर 2 एलसीएम तो रूट 17 माइनस 1 अपॉन 2 और नीचे एलसीएम लेंगे तो रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका 1 अपॉन रूट 17 लॉग 4 माइनस 1 3 हो जाएगा तो रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 माइनस लॉग रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन रूट 17 ये लॉग ए टाइप हो गया माइनस लॉग बी टाइप हो गया तो लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा लॉग रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 ये तो ए हो गया अपॉन बी ये पूरा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग यहां पर अब आप देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 आएगा प्लस 3 रूट 17 आएगा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 17 आ जाएगा और 1 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए रूट 17 इंटू रूट 17 17 आ जाएगा माइनस 3 रूट 17 आ जाएगा माइनस रूट 17 आ जाएगा एंड माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 ये आई की वैल्यू चल रही है लॉग 17 एंड 3 20 हो गया प्लस 3 रूट 17 अपॉन नीचे हो गया 17 एंड 3 20 3 एंड 1 4 आएगा रूट सॉरी 4 रूट 17 आएगा 20 माइनस 4 रूट 17 ऊपर और नीचे से 1 अपॉन रूट 17 लॉग यहां पे 4 कॉमन लिया जा सकता है तो 5 प्लस रूट 17 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस रूट 17 हो जाएगा 4 से 4 भी कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग 5 प्लस रूट 17 5 माइनस रूट 17 इसमें 5 माइनस रूट 17 से 5 प्लस रूट 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 प्लस रूट 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग देखिए 5 5 इंटू 25 हो जाएगा 25 प्लस 17 42 हो जाएगा यहाँ से 5 रूट 17 आएगा और यहाँ से 5 रूट 17 आएगा तो 10 रूट 17 हो जाएगा
होल अपॉन नीचे 5 × 5 25 आ जाएगा, माइनस √17 × √17 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/√17 log 42, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 21 + 5√17 होल अपॉन 8, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/√17 log 21 + 5√17 होल अपॉन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लें, लेंथी क्वेश्चन है। यहां पर हमारा ax² + bx + c की फॉर्म में डिनोमिनेटर में, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ा, 1/2 का होल स्क्वायर घटाया, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमारा 17/4 आ गया। फिर इस माइनस को हम अंदर ले गए तो 17/4 पहले आ जाएगा और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाद में आ जाएगा। यहां पर आप देखिए, इस 17/4 को हमने √17/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो ये 1/a² - x² का जो फॉर्म है वो हो गया। 1/a² - x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a, तो a की जगह पे √17/2 है, log ऑफ a + x मींस दिस प्लस दिस, अपॉन a - x मींस दिस a - x, ये पे यहां x - 1/2 है, तो ये आ जाएगा 0 to 2 लिमिट। हमने 2 पहले लिमिट पुट करी तो ये आया, और 0 लिमिट पुट करी तो ये आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हमने यहां पर कर लिया log a माइनस log b बन गया, तो log a अपॉन b हो जाएगा, ये अपॉन b है इसलिए यहां पर उल्टा हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व किया तो ये टर्म आ गई, यहां पर 4 कॉमन लेके हमने 5 + √17/5 - √17 हो गया, log बाहर चली रहा है हमारा। फिर इसको रेशनलाइज करा दिया √17 5 - √17 को, किस तरह, 5 + √17 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के, तो इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां पर 2 कॉमन लेके 4 से काट दिया, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, -1 to 1 dx / x² + 2x + 5, ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही, ax² + bx + c की फॉर्म है, तो इज इक्वल टू हो गया -1 to 1 1/ ये x² हमारे पास, ये 2x है, तो 2x को लिख सकते हैं x² + 2 × 1 × x, +1 का होल स्क्वायर करेंगे, -1 का होल स्क्वायर भी करेंगे, एंड +5 आपका ही है, ये क्योंकि हमने आगे आ जाएगा dx, यहां से यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a² + 2ab + b², तो ये 1 हमने अपनी तरफ से बनाया है, ऐसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, -1 to 1 1/ ये x+1 का होल स्क्वायर आ गया, -1 + 5 dx इज इक्वल टू -1 to 1 1/x+1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 1 गया तो 4 आया, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कौन सा फॉर्म आ गया, 1/x² + a² या a² + x² कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan−1 x/a, तो इज इक्वल टू 1/a means 2 tan−1 x की जगह पर यहाँ x+1 है, अपॉन a की जगह पर 2, और लिमिट हो जाएगी -1 to 1 1/2, जब यहां पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा tan−1 1+1 2/2, -x ये पर -1 रखेंगे तो आ जाएगा 0 tan−1 0/2 इज इक्वल टू 1/2
into 10 inverse 1 minus 10 inverse 0. और 10 inverse 0 क्या है? 0 ही होता है. 10 inverse 1 pi by 4 होता है. तो 1 by 2 into pi by 4 सॉल्व करेंगे तो आपका pi by 8 आ जाएगा. यही आपका आंसर हो जाएगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर ई रेज पावर 2 एक्स डीएक्स. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए कि वैसे हमें डायरेक्ट कहीं पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिला है, लेकिन चूंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो पुट 2x इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू 1dt आ जाएगा और dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2dt. अगर हम इसको i माने थोड़ी देर के लिए तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के. 1 जब इसमें पुट कराएंगे तो t की वैल्यू 2 आएगी और 2 जब इसमें पुट कराएंगे तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी अपर लिमिट में. इंटीग्रेशन 1 अपॉन x है और यहां से x की वैल्यू t अपॉन 2 आएगी तो 1 अपॉन t अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर है तो यहां पर ये t अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. e की पावर 2x है, 2x को हमने t मान लिया तो e रेस पावर t हो जाएगा ये. और dx 1 अपॉन 2 dt है, 1 अपॉन 2 हम बाहर ले चुके हैं तो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 टू 4 ये आ जाएगा. देखिए 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 अपॉन t माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 से 4 को 2 टाइम्स काटेंगे तो 2 ही आ जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन टी स्क्वायर ई रेज पावर टी डी टी. 2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 टू 4 ई रेज पावर टी को हमने पहले लिख दिया 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी. अब आप देखिए एक रूल आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, इंटीग्रेशन ई रेस पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इज इक्वल टू और डी एक्स हो रहा है इसके साथ इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है. जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर एक्स के साथ रिजल्ट में आ जाता है. तो हम क्या करें, इसका 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू ये आ गया ई की पावर टी इंटू 1 अपॉन टी एंड लिमिट हो जाएगी इसकी 2 टू 4. पहले 4 रखी लिमिट तो आ जाएगा e रेस पावर 4 अपॉन 4 माइनस अब 2 रखेंगे लोअर लिमिट तो e रेस पावर 2 अपॉन 2 e स्क्वायर इसमें से कॉमन है 4 भी एलसीएम के रूप में आ जाएगा तो आ गया e स्क्वायर माइनस 2. यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 टू 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब होल इज पावर 1 अपॉन 3 होल अपॉन एक्स इज पावर 4 एंड डीएक्स. यहां पर किसी पार्ट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसमें से x क्यूब कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 टू 1 इसमें से x क्यूब कॉमन लिया लेकिन पूरे की पावर 1 अपॉन 3 है तो वो भी आ जाएगा. इसमें x है तो ये आपका 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया माइनस x क्यूब में से 1 कॉमन ले लिया पावर 1 अपॉन 3 होल अपॉन x पावर 4 dx. अब यहां पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 1 अपॉन 3 टू 1 ये ऊपर बचा एक्स
into 1 upon x square minus 1 whole raised power 1 upon 3 upon x raised power 4 dx. इस x से x raised power 4 को x cube times काट सकते हैं हम, तो 1 upon 3 to 1, 1 upon x square minus 1 whole raised power 1 upon 3 upon x cube dx. अब आप देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होगा, क्योंकि इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स पावर माइनस 2 रख सकते हैं, जो कि 1 अपॉन एक्स क्यूब तो हमारे पास मौजूद है dx के साथ, माइनस साइन नहीं है तो माइनस और कांस्टेंट अपने आप जो है सेट हो जाते हैं. तो यहां पर लिखेंगे पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, या हम कह सकते हैं x raise power minus 2 minus 1 is equal to t. Differentiation किया तो ये 2 upon x cube हो गया minus का, 1 का differentiation 0 हो जाएगा, तो dx is equal to 1 dt. तो 1 upon x cube dx will be equal to minus 1 upon 2 dt. Then I is equal to integration, I है आपका 1 upon 3 to 1, तो lower limit 1 upon 3 है, इसमें रखेंगे हम, तो 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 9 हो जाएगा, और 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट आ गई आपकी 8. अपर लिमिट है 1 x ये पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 8 टू 0. फिर आइए 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने t मान लिया तो t की पावर 1 अपॉन 3 आ जाएगा, और 1 अपॉन x क्यूब dx इसकी ये पे माइनस वन अपॉइंट टू डी टी रख देंगे, माइनस वन अपॉइंट टू डी टी, माइनस वन अपॉइंट टू बाहर हो जाएगा, एट टू जीरो, टी रेज पावर वन अपॉइंट थ्री डी टी. और आप जानते हैं टी की पावर वन अपॉइंट थ्री का इंटीग्रेशन पावर रूल से टी की पावर फोर अपॉइंट थ्री अपॉन फोर अपॉइंट थ्री हो जाएगा, एट टू जीरो. पहले जीरो पुट कराएंगे, या इसको पहले 3 अपॉन 4 लिख लो, t की पावर 4 अपॉन 3, 8 टू 0, 0 रखेंगे पहले, तो आ जाएगा 3 बाय 4 इंटू 0, माइनस 8 रखेंगे तो आ जाएगा 3 बाय 4 इंटू 8 रेज पावर 4 अपॉन 3, ये तो 0 हो गया, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 3 अपॉन 4, 8 रेज पावर 2 बाई 3 को, और 4 बाई 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 3, तो पावर 4 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन 8 आ गया, इंटू यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगी पावर, 2 की पावर 4 बचेगा जो कि 16 हो जाएगा, 8 से 2 टाइम्स ये कट गया, 3 इंटू 2 6 आपका आंसर हो जाएगा. सो द ऑप्शन इज ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसे हम लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इजी क्वेश्चन है, और हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कराई थी, फर्स्ट थ्योरम, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो ये कहते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स टी साइन टी डी टी. हमने आपको वहां पर एरिया फंक्शन बताया था, एरिया फंक्शन के अंतर्गत ए एक्स इज इक्वल टू ये बताया था ए टू एक्स और एफ टी डी टी अगर यहां पर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्ट यहां पर आ जाता है, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी की जगह पर एक्स रखेंगे और साइन टी की जगह पर आपका साइन एक्स आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा. तो द ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन बी है. तो इट इज ऑल योर एक्सरसाइज 7.10, एंड थैंक यू वेरी मच.
एंड जय हिंद।